वेलकम बैक नाजरीन। तो दौलताना साहब, आप कुछ कह रहे थे पॉलिसी मेकिंग के हवाले से, और हम लोगों का ये कहना था कि आप आर्मी का इनपुट तो लाजमी है ना, और अगर आर्मी को लगा के फोन किया और मीटिंग की, उसके बावजूद आर्मी की वर्जन ये है कि कोई एक फोरम नहीं था जिसपे बुला के कोई डिस्कशन होती आर्मी के तहफुजात की, जिसकी वजह से, क्योंकि कोर कमांडर्स मीटिंग में बहुत इस पर तहफुजात हुए, तो आईएसपीआर की स्टेटमेंट देनी पड़ी जिसपे हम सब ने इतराज किया। बिल्कुल, मैं जी आर्मी के खदशात के बारे में खसूसन ये वाली बात भी करना चाहूँगा कि जो कई लोग बिल में जो चीज़ें बातें वाजे तौर पर लिखी गई, क्योंकि दुनिया भर में नॉर्म्स तो बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, मगर बड़ी बदकिस्मती से हमारे मुल्क में वो नॉर्म्स पे नहीं चले। आर्मी ने हमेशा इस मुल्क को एक अपने ही मुल्क समझा, एक अपनी स्टेट ही समझा, और जो इसमें खेलते रहे सियासी मैदान में, वो भी सारी कौम के सामने। इसमें जो दो पॉइंट्स भी उनके साथ खेलते, बिल्कुल बेशक दोनों का कसूर रहा। अच्छा, अब इसमें दो पॉइंट्स बड़े खसूसन थे। उसमें ये था कि जी आपके बजट्स और अकाउंट्स जो आर्मी के होंगे वो नेशनल असेंबली में प्रेजेंट होंगे, और ये पीपल्स पार्टी हुकूमत ने पहली दफा हमने ही किया, और उसमें मजीद इसको और इसमें सफाई और क्लेरिफिकेशन रखना, सारे ट्रांसपेरेंसी रखना, वो बहुत जरूरी था। तो यू नीडेड द कैरी लूगर बिल। ना, यही वाली बात मैं आपसे कही कि बड़ी बदकिस्मती से हम लोग ना कर सके पिछले 8 साल के अंदर, ठीक है ना। अगर एक ही चीज पहली दफा लिखी गई है तो वो इसी में लिखी गई है। जो बड़ी बात गलत बात है, एज अ पाकिस्तानी मुझे बड़ा इतराज है। मैं ये बात यही कहता कि अगर बहसियत पाकिस्तानी हम सीख जाएं, खुद सीख जाए, तो इससे बढ़ के तो बेहतरीन कोई बात नहीं। ये सिखाने का तरीका है, ये सिखाने का तरीका है। आगे मैं बात करता हूँ जी ट्रांसफर पोस्टिंग्स पे, क्योंकि तकलीफ तो मेनली जो एक प्रॉब्लम बनी, इश्यूज बने, वो यहीं से स्टार्ट हुए। अब ट्रांसफर पोस्टिंग्स आपका हमसाया मुल्क है आर्मी का, ब्रिगेडियर लेवल आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स करती हैं। मौलाना साहब, अगर आप माजरत के साथ ये हमें समझाएं कि ये जो इश्यूज हैं ये बड़े लेजिटिमेट इश्यूज हैं, लेकिन ये आपके अपनी सियासत दानों के, हकूमत के, सिविलियन के करने के इश्यूज हैं या अमेरिकन? मैं 100% आपकी सही कहता हूं, और मैं यही सारी बात सुने। वो अमेरिका ड्राफ्ट करके बिल हमें दे रहा है जो कि यहाँ हर मिलिट्री हर मिलिट्री को जो सपोर्ट करता रहा है, और क्या लगता ना साहब आप कर रहे हैं। सिर्फ ये है कि अमेरिका का ना उधर तो हमारी डेमोक्रेसी का उसने सत्यानाश कर दिया, हर मिलिट्री डिक्टेटर को उसने सपोर्ट किया, बेशक। और आज हमें थ्रू लेजिस्लेशन में बता रहा है कि हम क्या करेंगे। यही बात कर रहा हूँ कि बदकिस्मती से हमारा मुल्क, हमारे सियासतदान ना सीख सके, और पहली दफा अगर इन राइटिंग कोई बात ऐसी आई है तो चलो आई तो सही। राइटिंग बाय होम, मैं कहता हूँ कि आप सिखा लो, यू आर अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, आप अपनी पार्लियामेंट में कुछ करें ना। आपका पार्लियामेंट बात है कि आप बेरूनी ताकतों के साथ मिलकर आप यहाँ इस तरीके से जमहूरियत लाएंगे, आप सिखाएंगे आराम से। दौलताना साहब, नहीं आपने सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? नहीं, उनकी राय है। एक सेकंड दौलताना साहब, तो हम ये फिर समझें कि आप फरमा रहे हैं कि अगर अंदरून मुल्क के बात नहीं कह सका कोई तो चलो किसी ने कह दिया। मैं शुक्र करें किसी ने कही तो सही, मेरा से तो आप कह रहे हैं शुक्र करें। हाँ। फिर आपकी पोजीशन इन इश्यूज पे और जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो मुख्तलिफ है, शायद आपकी पोजीशन अपने प्राइम मिनिस्टर से भी फर्क है। नहीं जी, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं होगी। मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ जो उसमें अच्छी बातें लिखी हुई है। आप अच्छी बात कह रहे हैं, मैं अच्छी कह रहा हूँ। अच्छा, तो आपको बहसियत एक पार्लियामेंटेरियन के, एक पाकिस्तान के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपको लगता है कि अगर कैरी लूगर बिल में अमरीकनों ने ये लिख दिया तो फिर उसमें कोई मजायका नहीं? नहीं, मैंने देखे ना जी, ऑपोजिशन तो यही है कि क्योंकि अमरीका से खा रहे हैं, हम तो आज तक कर ना सके ये वाला काम, ठीक है ना। मैं तो ये आपकी बात अगर चल सकती है आप सिखा दें आर्मी को, तो चलिए सेनेटर साहब की बात चल सकती है, सेनेटर साहब से सर मेरी बात सुनो, मेरी बात सुने। मैं दौलताना साहब के माइंड को जरा क्लियर करूंगा। देखिए ये बीबी ये कैरी लूगर बिल आया, उस पर पूरे मुल्क में ह्यू एंड क्राई हुआ, मीडिया से लेके पार्लियामेंटेरियन, पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम बार सेशन, वकला, इंटेलिजेंसिया, सिविल सोसाइटी, इनको समझ नहीं लगी। ये हमें जो आप कह रहे हैं जी कि हम समझ, इनको समझ नहीं लगी किसी शरीफ पार्लियामेंटेरियन की, शायद अभी भी मेरी बात सुन ले बीवी, जरा रह जाती है बात, फिर वो उसमें मजा नहीं रहता। मतलब पूरा मुल्क चीख रहा कि इनको समझ नहीं लगी। कब समझ लगी इनको? जब आर्मी ने कंसर्न नहीं दिखलाया। समझ नहीं आई, वो कह रहे हैं वो अग्री नहीं कर रहे। मैं तो फिर भी कह रहा हूँ कि ये गलत है। मैं तो फिर भी कह रहा हूँ, मेरी बात नहीं, ये कहते रहे। नहीं जी, आप उनको बोलने तो दें, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। कितना बोलेंगे? अच्छा, आप बहुत बोलिए, मुझे जरा इनसे पूछने दें कि आपको लगता है कि जो ऑब्जेक्शन है बस यही है, जो सिक्योरिटी पे, न्यूक्लियर इशू पे, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से वो कह रहे हैं कि ना के प्रोलिफरेशन
वो तो ठीक है, वो तो हमारी कमिटमेंट है बहसीयत एक इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबल प्लेयर के, जो हुआ एक्यू खान, डॉक्टर एक्यू खान वगैरह के हवाले से बहुत गलत हुआ। अब जो बात हो रही है एक्विजिशन की, आपका आप समझते हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम आपका जरूरी है या नहीं है? जी 100% जरूरी है, हमारी सिक्योरिटी है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। वो कह रहे हैं ना कि एक्विजिशन जो है, अगर आप अक्वायर करेंगे टेक्नोलॉजी, उसका भी हिसाब किताब अमेरिकनों को दें, उससे आपको एक्वायर तो हम किए बैठे हैं, पहले भी सारी दुनिया पिटती रहेगी कि न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करें। क्या हमने उनकी बात सुन ली? क्या हमने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम तोड़ना पहुंचाया? इस वक्त ऐसी तो बात है ही कोई नहीं। इस बिल के थ्रू एक कमिटमेंट तो है, जो चेंजेस आने चाहिए, जो चेंजेस हम समझते हैं, जो चीजें आपके आपके ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियंस हैं, आपकी मीडिया है, सारी चीजें लोग बात करते हैं, हम वो चेंजेस को पूरे खर्चात को हम आगे लेके जाएंगे। हम क्यों नहीं लेके जाएंगे? मैं सिर्फ बात करता हूं, एक तो नेगेटिव बात रहेगी कि जी नेगेटिव, इसमें ये गलत, उसमें वो गलत। हमारी जो कोशिश इस बिल के साथ थी वो तो एक अपनी अच्छी कोशिश थी कि जी अगर हमारी कॉम को 1.5 बिलियन आएगा, उससे हमारे कितने स्कूल बन जाएंगे, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा, गवर्नेंस हो जाएगी, इन पुलिस की ट्रेनिंग हो जाएगी। हमने तो नेक नियति से ये स्टेप उठाया। और अगर ये जब आपका बिल बना है तो ये तो उधर के कांग्रेस ने बनाया। अच्छा फिर एक्शन, आप जो उसमें उन्होंने चीजें लिखी, प्रोलिफरेशन की चीज लिखी है, आपकी टेरिस्ट स्टेट लोगों की लिखी है, अभी शेख वकास साहब ने वाली बात बड़ी कही जी हमेशा टेरिस्ट स्टेट डिक्लेयर कर दिया। अब मैं ये वाली बातें करता हूं कि एक दूसरे मुल्क के अंदर आप बैठ के देखें जहां वो बैठ के लिख रहे हैं, और आप अपना पुराना माजी को प्लीज इग्नोर ना करें। ये ना सोचें कि अपने गिरेबान में झांक के हम नहीं देखेंगे। आप ये ना कहें कि हम बिल्कुल 100% साफ हैं। बताइए एक मिनट, आप ये भी ना कहें कि आपकी पिछली पुरानी हुकूमतों ने कभी ऐसे काम किए नहीं। बुनियादी तो बात ये, अब ये हम वी आर गोइंग राउंड इन सर्कल्स, बुनियादी बात तो ये है कि ये चीजें जो आपको करनी है खुद करनी है, अपना आपका एक नेशनल एजेंडा है, कोई आप पर तसल्लुत करे नंबर एक। नंबर दो कि जिम्मेदारी आप पर डाल रहे हैं पूरे खित्ते की पीस और स्टेबिलिटी की, वो भी गलत है या उसको भी आप सही समझते हैं? पहली बार जिम्मेवारी पूरे खित्ते की पाकिस्तान पे आपने नहीं पढ़ा? नहीं, नहीं मैंने पढ़ा, पढ़ा है, मैंने बड़ी दफा पढ़ा है, 4-5 दफा मैं पढ़ चुका हूँ। ये वैसे भी ये कहते हैं, वहां से शुरू होते हैं, कहते हैं पढ़ो इसको, वो उनकी फॉरेन मिनिस्टर कहती पढ़ो इसको। अच्छा, ये मेरे ख्याल शेख वकास को भी मौका दे दें कुछ बोलने का। तो 1.5 बिलियन वो फरमा रहे हैं कि वो आ रहा है, आपके स्कूल कॉलेज वगैरह बनेंगे, अच्छी बात है, उस पर फोकस करें। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि ये 1.5 बिलियन का जो प्राइस टैग है, ये तो इट्स लाइक पीनट्स। ये जितनी जो हमारा नेशनल प्राइड और जो हमारी सोवरेनिटी के ऊपर अटैक है, अगर उसकी कीमत $1.5 बिलियन है, तो मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ। 9/11 से लेके अब तक $864 बिलियन खर्च कर चुका है अमेरिका इस वॉर ऑन टेरर में, जिसमें से $642 बिलियन जो है वो इराक पे, और $199 बिलियन अफगानिस्तान पे, $25 बिलियन इनहैंस सिक्योरिटी पे, और $5 बिलियन अनकैलकुलेटेड। अच्छा, उसके बाद हमें जब से 9/11 हुआ है तब से लेके हमें अभी तक $11 बिलियन उसमें से मिला है, जबकि इराक में $8 बिलियन जो है वो पर मंथ वहां पे खर्च हो रहा है। उसके बाद अगर ये समझते हैं, और जब इनका अपना ये वजीर कहता है कि $35 बिलियन जो है वो सिंस 9/11 जो है वो हमारा नुकसान हो चुका है, हम $1.5 बिलियन पर ईयर फॉर अनदर 5 ईयर्स लेके हम ये समझते हैं कि हमने अपनी इज्जत का सौदा जो है वो अच्छे प्राइस में किया है, मैं इससे बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूं। जो नंबर्स हैं उसमें भी दो राय हैं, मतलब ये शायद कारदार जैसे इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं, उस दिन हमारी फोन पे बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जो बजटरी सपोर्ट है जो चाहते हैं कौमें, जो हम पाकिस्तान को जरूरत है बजटरी सपोर्ट को, ये है तो टोटल 200 मिलियन, ये शायद कारदार साहब ने कहा, मुझे आप कोट कर दें ऑन द रिकॉर्ड, आपको 200 मिलियन से ज्यादा सालाना नहीं मिलेगी। इस पर हम एक ब्रेक लेते हैं नाजरीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम इस बात पर गुफ्तगू करेंगे कि ये तो पाकिस्तान की पोजिशन हो गई, और दुल्ताना साहब जो भी फरमा रहे हैं, इनके प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो जो अशोर किया तमाम पार्टी लीडरान को कि जितने तहफुजात हैं उनको एड्रेस किया जाएगा, और जैसे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि तमाम इंस्टीट्यूशंस और पॉलिटिशियंस के तहफुजात को आगे ले जाया जाएगा अमेरिका के पास। अमेरिका में क्या होगा और जब वो जाएंगे तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं, अमेरिका का कानून क्या कहता है, और उस वक्त अमेरिका में मूड क्या है, एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।